सबसे पहले आज के इस पावन प्रांगण में पधारे आदर के समान बुजुर्गवान नौजवान साथी गंगा से पवित्र हमारी मातृशक्ति माता बहने स्टेज पे विराजमान मेरे सभी गुरु तिलक कलाकार श्रवण मास्टर जी संगीतकार सभी को एक बार हमारी छोटी सी पार्टी की तरफ से हाँ जी बिल्कुल वो भी याद है मुझे सोनोटेक कंपनी से भी है शायद कैमरामैन जी सभी को एक बार हमारी छोटी सी पार्टी की तरफ से और आपकी बच्ची मन्नू तंवर की तरफ से नमस्कार है राम राम के साथ जी राम राम बैरी राम राम ही तो कर लिया भगवान का घर भी जाना है के जवाब दोगे उड़ो जाके राम का नाम तो लिया ही नहीं राम का नाम लेते हो माला फेरते हो एक काम करो माला छोड़ दो क्योंकि माला फेरने वाले जेल में बैठे हैं माला छोड़ दो अच्छा जी एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे क्योंकि आज गौ माता के प्रांगण में बैठे हैं तो गौ माता के नाम का जयकारा लगाना बहुत जरूरी है जिसको भगवान ने दो हाथ दिए हैं वो दो उठा लीजिएगा बिल्कुल सीधे सीधे थम भी उठा लो पाच लो गौ माता तारी भी माता ही लागती होगी बुआ तो लाग गई नहीं है उठा लो तुम भी एक बार फिर से उठा लो हाथ उठा लो भाई थम भी उठा लो बोर से जोर से जगह लगाना है के बीच में रखना चाहूंगी उपदेश के माध्यम से कवि ने बताया है कि क्या करने से क्या हो जाता है पूरे उपदेश में यही बात लिखी है और क्या लिखा है रंग के माध्यम से सुनते हैं जी में भाई बदले
रखवाड़ा धर्म में